Hi there, my name is Muskan, and you are watching our latest course. So today in this video, uh, we will see what is National Institute of Disaster Management, right? So guys, before I will move forward, please do like, share, and subscribe my channel, and hit the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will get the notification. So let us begin. Firstly, let us uh, see the introduction of uh, National Institute of Disaster Management. सो वी ऑल नो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट है इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन द कंट्री और जो एन आई डी एम है एक्ट विद नोडल नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी एडवोकेसी इन द फील्ड ऑफ डिजासटर मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूट है हेज़ अ पार्टिसिपेशन विद नंबर ऑफ एक्डमिक रिसर्च एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अराउंड दर्ल्ड इट प्रमोट नैटवर्क अमंगीट्यूट एंड एनकरेज इंटर डिसिप्लिन रिसर्च ऑन डिफरेंट अस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो आपका एन आई डी एम है इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट राइट सो हम पहले ही जानते हैं कि एक यंग नेशनल इंस्टीट्यूट है कंट्री का और ये एक्ट करता है नेशनल एक्ट विद नोडल नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स पे वर्क करता है कैपेसिटी बिल्डिंग पे वर्क करता है ट्रेनिंग एंड रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी एडवोकेसी में वर्क करता है किस फील्ड में डिजास्टर मैनेजमेंट की फील्ड में राइट right? सो so, जो इंस्टीट्यूशन है इसकी स्ट्राटेजिक पार्टिसिपेशन होती है डिफरेंट और नंबर ऑफ़ एक्डमिक रिसर्च एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंडिया में एंड अराउंड द वर्ल्ड और ये प्रमोट करता है नेटवर्किंग अमंग इंस्टीट्यूट और इनक्रेज करता है कि वो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च करें ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स किसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिजास्टर मैनेजमेंट के राइट सो मूविंग फर्दर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं सो so, जो ये इंस्टीट्यूट है दिस इज़ हेडिड बाई यूनियन होम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास uh, uh, जो है ये होता है जो जनरल बॉडी होती है इसमें फोर्टी टू मेम्बर्स की जिसमें एमिनेंट स्कॉलर्स होंगे आपके एंड uh, डॉक्टर्स होंगे साइंटिस्ट होंगे बिसाइड सेक्रेटरी जो होते हैं वेरियस नोडल मिनिस्ट्रीज़ के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल के ऑफिशियल्स भी होते हैं इसमें और uh, जो हेड्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स होते हैं साइंटिफिक रिसर्च जैसे इसरो हो गया आपका आई ए आर हो गया उसके जो हेड होते हैं वो इसके जो है मेंबर्स होते हैं और जो अदर जो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में वो उनके जो हेड्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं राइट सो मूविंग फादर अब क्वेश्चन ये है कि साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स हैं वो इसमें क्यों होते हैं बिकॉज डिज़ास्टर मैनेजमेंट में एंड ऑबियसली हम जो है टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं राइट सो दैट्स वाई दोज पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस सो मूविंग फदर विजन की जब हम बात करते हैं क्या विजन है क्या दृष्टि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सो टू प्रिपेयर प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑन डिज़ास्टर रिस्क ये चाहता है कि ये ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट को बनाए ऑन ट्रेनिंग एंड रिसर्च डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट में इंडिया में और रिकॉग्नाइज करे वन ऑफ़ द लीडिंग इंस्टीट्यूट एट इंटरनेशनल लेवल इन द फील्ड ऑफ ओल्ड इन द फील्ड ऑफ सॉरी ऑफ ए डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता क्या कि जो आपका जो एन है ये एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है राइट right? जिसमें आपको ट्रेनिंग मिलेगी रिसर्च मिलेगी डिजास्टर रिस्क मिटिगेशन में मैनेजमेंट में इंडिया में और वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट है ये विच इज़ जिसकी रिकोगनाइजेशन और आइडेंटिफिकेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकोगनाइज किया जाता है राइट सो इसका जो विजन है ये स्ट्राइव करे रिलेंटलेसली ट मेकिंग डिजास्टर फ्री इंडिया बाई डिवेलपिंग एंड प्रमोटिंग अ कल्चर प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस एट ऑल ये इसका मेन जो है विजन है कि इंडिया को जो है डिज़ास्टर फ्री बनाना और प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन और जो प्रिवेंशन का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना एंड प्रिपेयर्डनेस रखनी है एट ऑल एट ऑल लेवल्स राइट सो मूविंग फॉर द मिशन की जब हम बात करते हैं सो so मिशन क्या है इसका डिवेलपिंग सिस्टम एंड चैनलाइजिंग एक्सपर्टीज फॉर इफेक्टिव डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन गेट दिस गेट जल नहीं है गेट है सो डेवलपिंग सिस्टम एंड गेट चैनलाइजिंग एक्सपर्टीज फॉर इफेक्टिव ऐसे सिस्टम को डेवलप करना ऐसे एक्सपर्टीज़ को डेवलप करना जो कि इफेक्टिवली डिज़ास्टर प्रिपेयरनेस एंड मिटिगेशन में जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सके टू एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट बाई प्रोवाइडिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन बिकॉज ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है तो गवर्नमेंट के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना जो सपोर्ट करें दीज़ फैसिलिटेट करें मिटिगेशन इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर को एंड रिसर्च डॉक्यूमेंटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशनल लेवल इंफॉर्मेशन पे फोकस करता है प्लानिंग एंड प्रमोटिंग ट्रेनिंग एंड कपेसिटी बिल्डिंग सर्विसज इनकलूड स्ट्राटिक लर्निंग पे फोकस है एंड ये प्रमोट करता है नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ स्टेक होल्डर एंड उन पर जो है उनको अवेयर करवाता है उनके जो अवेयरनेस उसको रेज करता है फैसिलिटेट करता है नेटवर्किंग एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज स्ट्रेंथन करता है इंस्टीट्यूशनल मकैनिज़म को फॉर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स एट ऑल लेवल्स राइट मूविंग फरदर फंक्शंस की जब हम बात करते हैं सो अंडर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट टू थाउजेंड फाइव जो इंस्टीट्यूट है उसको एंट्रस्ट करा है विद फॉलोइंग उसके जो कार्य हैं पहला तो ये डिवेलपमेंट करे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क करें इन डिज़ासर मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को ऑर्गेइज करे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट है ये पहला दूसरा हमारे पास है टू प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट टू ट्रेनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं उनको नेसेसरी सपोर्ट प्रोवाइड करें राइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट प्लान कवरिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर करें और इम्प्लीमेंट करें कॉम्प्रीहेंसिव ह्यूमन रिसोर्स डिवेलपमेंट प्लान और कवर करें सारे के सारे एस्पेक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एंड uh, ये क्या करें टू प्रोवाइड असिटेंट इन पॉलिसी मेकिंग एट नेशनल लेवल जब आप पूरे नेशन के लिए पॉलिसी बना रहे हो तो उसके लिए असिटेंट प्रोवाइड करना इसका काम है टू डिवेलप एजुकेशनल मटीरियल फॉर डिज़ासर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग योर एजुकेशनल एंड वोकेशनल कोर्सेज एंड देइड असिस्टेंट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द फॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर असिस्िस्िस्टेंट रिक्वायर्ड फॉर्मूलेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ अगर ये स्टेट सिंपल uh, सी बात है कि स्टेट गवर्नमेंट को असिस्टेंट प्रोवाइड करें और जो स्टेट के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करें वाएँ ताकि स्टेट की जो पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट उसकी है उसमें हेल्प कर सके स्ट्राटेजिक हेल्प हो सके डिज़ास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी बिल्डिंग में राइट right? हेल्प के लिए एज सिंपल सो Guys, that's all about. Uh, so, I hope you people will like, share, and subscribe my channel. So, thank you so much for watching. Bye and take care.